ATD आर्ट टीचर डिप्लोमा के बारे में मैं आपको पूरी तरह की जानकारी देने वाली हूँ आज के वीडियो में। जिन विद्यार्थियों को प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशाला में कला शिक्षक बन के नौकरी करनी है उनके लिए यह कोर्स बहुत फायदेमंद रहेगा, और जिनको अपना खुद का आर्ट क्लास खोलना है उनके लिए भी यह कोर्स बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी एवं यह कोर्स क्यों करना चाहिए तथा कौन यह कोर्स कर सकता है यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। कोर्स कितना महत्वपूर्ण रहेगा यह आपको पता चल ही जाएगा। कोई भी कोर्स करने के लिए उम्र की मर्यादा भले ही ना हो मगर स्कूल के नियमों के अनुसार मर्यादा रहेगी। इस कोर्स में लगने वाली सभी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। यह कोर्स असल में बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आर्ट टीचर बनना है, साथ में उस व्यक्ति की रुचि तथा उसको कला बहुत सुंदर से आनी चाहिए, फिर वह इस कोर्स का पूरा आनंद ले पाएगा और फायदा भी उतना ही होगा। यह कोर्स 2 साल के लिए होगा तथा कोर्स के लिए लगने वाली आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट के भी बारे में मैं जानकारी दूंगी। उसके पहले आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करें ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले जान लें कि आर्ट टीचर खुद एक अच्छा आर्टिस्ट होना जरूरी तो है, साथ में छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक उसे पढ़ाने में भी उतनी ही रुचि होनी जरूरी है। इस कोर्स में थियोरी तथा प्रैक्टिकल का ज्ञान आपको मिलेगा जो आपको एक बढ़िया आर्ट टीचर बनाएगा। ATD कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, इसकी कालावधि 2 साल की है। पात्रता 12वीं में आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होने जरूरी है, साथ में इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम्स का सर्टिफिकेट तथा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तथा आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगने वाली है। यह कोर्स आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हैं। आर्ट टीचर डिप्लोमा कोर्स मराठी, हिंदी, इंग्लिश तथा उर्दू में उपलब्ध रहेगा। वर्क या शिक्षण अलग अलग भाषा में आपको मिले या ना मिले, पर सीखते हुए लगने वाली बुक्स सभी जानकारी आप अपने मन चाहे भाषा में ले सकते हैं। एग्जाम्स भी आपकी चुनी भाषा में आप दे सकते हैं और कोर्स पूरी तरह पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे आर्ट टीचर बन सकते हैं। सिलेबस रहेगा रेखांकन, ड्राइंग, डिजाइन ड्राइंग, स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग, बोर्ड राइटिंग, टीचिंग मेथड, ऐसे आपको पोर्शन रहेगा। मगर मैं आपको पूरी जानकारी तब तक देने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको रहेगा फंडामेंटल ऑफ आर्ट, ड्राइंग मेमोरी इमेजिनेशन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मैनमेड नेचुरल, प्रोजेक्शन ड्राइंग पर्सपेक्टिव, कलर थियरी एंड प्रैक्टिकल, 2D डिजाइन एंड प्रिंट मेकिंग। वर्क एक्सपीरियंस में आपको रहेगा क्ले, पेपर, कार्डबोर्ड की तरह ऑब्जेक्ट बनाना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1, थियरी ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड आर्ट, आर्ट एक्सप्रेशन, डांस, ड्रामा, म्यूजिक। सेकेंड ईयर में आपको रहेगा प्रैक्टिकल ड्राइंग, जिसमें रहेगा ह्यूमन, नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट, मेमोरी, इमेजिनरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, स्टिल लाइफ, क्रिएटिव, रियलिस्टिक रहेंगे, 2D डिजाइन में कंपोजिशन, प्रिंट मेकिंग रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस में डॉल मेकिंग तथा स्क्रीन प्रिंटिंग रहेगा आपके लिए। टेक्निकल में बात करेंगे तो आर्ट एक्सप्रेशन, टीचिंग मेथड आपको रहेगा, आर्ट में जैसे ड्राइंग, स्कल्पचर, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, इस तरह टीचिंग आपको मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ आर्ट का सेकंड पार्ट आपके लिए रहेगा इंडियन आर्ट का, थियरी ऑफ एजुकेशन का भी आपको सेकंड पार्ट रहेगा, ब्लैक बोर्ड, ड्राइंग, राइटिंग प्रैक्टिस आपको दी जाएगी, प्रोजेक्ट वर्क में आपको आर्ट बेस पे ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, फोक डांस, इंडियन आर्ट, इस तरह आपको रहेगा। टीचिंग लेसन आपको देना पड़ेगा फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए। नॉलेज के लिए 2 लेसन आपको 1st to 4th क्लास के लिए आपको सिखाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। लेसन देना बहुत ही आसान रहेगा। आप टीचर डिप्लोमा यह कोर्स आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर सकते हैं या तो किसी भी अप्रूव्ड बाय ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आप दे सकते हैं। मेरे अगले हर वीडियो में इसी सिलेबस के अनुसार हर विषय पर डेमो तथा पूरी जानकारी आपको दूंगी, पर उसके लिए आपको दरखास्त है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।